हफ्ते में दो बार अपने शैम्पू का इस तरीके से इस्तेमाल करके देखें, ना सिर्फ आपके वालों का झड़ना बंद होगा, डैंड्रफ कम होगा और आपके वालों पर हर चीज इफेक्ट करेगी, बाल तेजी से बढ़ेंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। गाइस, क्या आप जानते हैं डायरेक्ट शैम्पू स्कैल्प में लगाने से हमारे रूट्स कमजोर हो जाते हैं और केमिकल्स की वजह से बाल ड्राई होकर झड़ने लगते हैं। इसलिए आप कभी भी जब भी शैम्पू अप्लाई करते हैं तो आपको अपने शैम्पू को डाइल्यूट करना चाहिए। डाइल्यूट आप राइस वाटर में, रोज वाटर में कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहा है, पपड़ी की तरह जो है डैंड्रफ स्कैल्प में रह चुका है, तो इसके लिए आज मैं आपको शैम्पू का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिसमें आप अपने शैम्पू को डाइल्यूट करेंगे एक मैजिकल वाटर में, और ये ट्रिक आपके बालों को डैंड्रफ से बचाएगा, बैक्टीरिया से बचाएगा, बेसिकली आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स करेगा। तो ये ट्रिक कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, चलिए जानते हैं। इस शैम्पू की ट्रिक मिक्सिंग के लिए हम लेंगे बाउल, और इसमें पहला इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पर चाहिए होगा एप्पल साइडर विनेगर, जिसको सेब का सिरका कहते हैं। सेब का सिरका हेयर क्लींजिंग के लिए काफी बेस्ट होता है। ये डीपली स्कैल्प से एक्स्ट्रा ऑयलीनेस, ग्रीस क्लींज करता है एंड ये क्लॉक्ड हेयर फॉलिकल्स को साफ करके उनको दोबारा से हेयर रीग्रोथ करने में सपोर्ट करता है। यूवी रेडिएशन पॉल्यूशन से बालों को प्रोटेक्ट करता है, और एप्पल साइडर विनेगर का पीएच लेवल ऐसा होता है कि इसको बालों में लगाने से हेयर क्यूटिकल स्मूथ होते हैं और इससे बाल भी सॉफ्ट बनते हैं। 3 से 4 चम्मच सेब का सिरका बाउल में लेंगे। अब इतनी ही क्वांटिटी में आपने इसमें ऐड करना है पानी, नॉर्मल पानी। 4 चम्मच आपने सिरका लिया और 4 ही चम्मच आप इसमें पानी की ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1/2 चम्मच कॉफी। कॉफी जो है आपके बालों के लिए बहुत सारे फायदे रखती है। एक तो कॉफी आपके बालों का कलर मेंटेन रखती है, उनको सफेद नहीं होने देती। दूसरा, ये स्कैल्प का ब्लड फ्लो बेहतर करती है जिससे उनमें डेवलपमेंट होता है, बाल लंबे होते हैं, साथ ही खुरदुरे बालों को ये मुलायम बनाती है। कॉफी ऐड करके इसमें डालेंगे 4 to 5 drops ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ये तो आपके हेयर केयर रूटीन में डेफिनेटली होना ही चाहिए। रोजमेरी हेयर ग्रोथ करने का मसीहा होता है और ये विद इन 1 application में हेयर फॉल कंट्रोल कर देता है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डालकर मैंने इसमें ऐड किया अपना शैम्पू। जो भी आप अपना शैम्पू बालों में लगाती हैं वो आप इसमें डाल लो और हाथों से इसमें झाग कर लो। अब जब भी आप अपने बाल धोने जाते हैं तब आपने पूरे बालों को पहले गीला कर लेना है। इस पानी को अपने हेयर रूट्स में पहले डालना है, अच्छे से 5 मिनट रूट में मसाज करनी है। जितनी भी गंदगी है सारी एक्सफोलिएट होकर निकल जाएगी। सो 5 मिनट प्रॉपर वे में जैसे आप शैम्पू करते हैं वैसे करेंगे, उसके बाद लेंथ में इसको लगा लेंगे। ये करने के बाद 5 मिनट आपने इसे अपने बालों में छोड़ना है, उसके बाद साफ पानी से बालों को धो लेना है। ये टोटली प्रोसेस 10 मिनट्स का होगा। 5 मिनट आपको उसको बालों में रखना है और 5 मिनट स्कैल्प में मसाज करनी है। इस तरीके से अगर आप शैम्पू की प्रिपरेशन करते हैं तो ये शैम्पू सॉल्यूशन आपके बालों में एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है, बालों से बैक्टीरिया हटाता है, बैक्टीरिया को टिकने नहीं देता एंड उनको इतना स्ट्रांग बना देता है कि कंघी करते वक्त या बाल धोते वक्त भी आपके बाल टूटते नहीं है। छोटा सा सिंपल सा ट्रिक है विच यू शुड ऑल ट्राई दिस एंड ऑल्सो गिव्स अ थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।